बैंक की एफडी तोड़ दी है मैंने, तुम्हारी कोचिंग की फीस हो जाएगी इससे और बाकी के खर्चों के लिए ये। यूपीएससी के लिए दिल्ली जाना जरूरी नहीं है, अपने सपनों का बोझ अपनों पे मत डाल, अब दिल्ली मत चल। तू भीड़ नहीं, तू दुनिया के पीछे मत चल, तू शेर नहीं, तू सवा शेर, अपनी बारी करते हल चल। दिल्ली मत चल। तुम तो दिल्ली जाने वाले थे ना तैयारी के लिए। जब यूपीएससी के सारे सुपर टीचर्स खुद मेरे पास आ रहे हैं, दिल्ली को जाना। तू जहाँ वहीं से सीखेगा, तू अपने दम पे जीतेगा, तुझे रोक सकेगी क्या दिल्ली, तेरा नाम आसमां चीखेगा। तो जो कोई भी ये क्राइटेरिया मीट कर लेता है उसे सिटीजनशिप बाय डिसेंट मिल जाएगी। एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सर, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। देखिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, इसीलिए है क्योंकि लास्ट ईयर के यूपीएससी एग्जाम में 20 नंबर का आया था। ये हाउ मेनी मार्क्स? अपनी शर्तों पे जीना है, तुझे ज्ञान तोड़ कर पीना है, दुनिया को मोड़ इशारों पे, तू दुनिया के रंग में मत ढल। दिल्ली मत चल बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और आज हम कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के बीच हैं जिन्होंने ट्रेडिशनल कोचिंग क्लासेस को रिजेक्ट करने का फैसला ले लिया है। देश का आने वाला कल, दिल्ली मत चल, दुनिया देखेगी तेरा बल, दिल्ली मत चल। इंडिया के सुपर टीचर्स के साथ अब होगी यूपीएससी क्रैक। डाउनलोड करो टेस्ट बुक ऐप। Everyone, good evening everybody. Am I audible to each and everyone? Is audibility absolutely fine? We are live now. This is Mohit here and welcome to the textbook. सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बस confirmation देंगे। सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बस confirmation दो यार। Is audibility absolutely fine? Good noon, Sayonti. Good evening, Abhishek. Good evening, Sheetal. Good evening, Shweta. Good evening, Vineet. Good evening, Sonali. Good evening, Anu. Good evening, Sitaram. Good evening, Suman. Good evening, Vishu. Good evening, Seema. Good evening, Giriraj. जल्दी फटाफट सब लोग आते जाओ यार, एकदम मस्त मचाना है भाई अपने को। जल्दी से आते जाएं सब लोग, एकदम मस्त मचाना है भाई अपन को, एकदम मस्त। गुड इवनिंग दिनेश, गुड इवनिंग विनय। भाई आज का सेशन एकदम मस्त होने वाला है ना। आज के सेशन में हम लोग एक मैराथन सेशन लेके आए ऑन कम्युनिकेशन सिस्टम्स, क्लियर है? और गाइस ये सेशन एकदम मस्त होने वाला है भाई अपना, क्लियर? तो फटाफट सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो जल्दी से फास्ट। सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें जल्दी से फास्ट। जल्दी। जल्दी फास्ट। चलिए तो आज के सेशन की पहले इंपॉर्टेंस बता देता हूँ गाइस मैं आप लोगों को। गाइस बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं हमारे, क्लियर? 5-10 सेकंड और वेट कर लेते हैं, सभी बच्चे आ जाएं। एकदम बढ़िया आरती, एकदम मैं बढ़िया हूँ, ठीक है? आप लोगों की दुआओं से मैं एकदम बढ़िया हूँ। जल्दी फटाफट बाकी लोग आ जाए, देन वी विल स्टार्ट अवर सेशन। जल्दी करेंगे फास्ट। सर ये जल्दी मत चल क्या है, इसको समझने की कोशिश कर विनीत भाई, इसको समझने की कोशिश कर क्या है। दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती है जो अपने को खुद से समझ नहीं होती है।
हाँ भाई आशीष, इसीलिए तो पढ़ा रहा हूँ। गुड इवनिंग मधु, गुड इवनिंग मदन, अंडर रूट ऑफ जेड बाय वाई होता है कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, वेयर जेड इज द नॉर्मल इंपीडेंस ऑफ अ नॉर्मल, मतलब ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस, और वाई इज द ट्रांसमिशन लाइन एडमिटेंस। क्लियर? चलिए, सो गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज का हमारा जो मैराथन सेशन है उसका टॉपिक है कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो बात यह आती है कि सर ये कम्युनिकेशन सिस्टम बेसिकली कहाँ आता है, कौन से एग्जाम में आता है? सर हमने तो कभी पढ़ा नहीं है। बिल्कुल आपकी बात सही है, डिप्लोमा के स्टूडेंट्स ने तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा, बट इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ने फिर भी इसको पढ़ने की कोशिश करी होगी, अगर उनकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है तो। बट अगर उनकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो उन्होंने भी इसको नहीं पढ़ा होगा, क्लियर है? जहां तक मुझे लगता है। तो गाइस मैं यही बोलता हूँ कि ये पर्टिकुलर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत बार किसी किसी एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, बट बहुत बेसिक से सवाल पूछे जाते हैं, कोई बहुत ज्यादा अलग लेवल का नहीं पूछा जाता, बहुत बेसिक सवाल इसके पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी इसको पूछ लेते हैं। तो क्यों ना एक काम करते हैं आज की डेट में, क्यों ना एक काम करते हैं, अपन लोग निपटा देते हैं भाई इसको भी, है ना? और जितना रिक्वायर्ड होगा उतना पढ़ेंगे। सब्जेक्ट तो अपने आप में काफी बड़ा है, सब्जेक्ट तो अपने आप में काफी बड़ा है, लेकिन जितनी इसकी जरूरत होगी, जितनी इसकी इंपॉर्टेंस है, सिर्फ उतना पार्ट अपन करेंगे। क्लियर है? चलिए, निर्मल भाई बस होने वाला है, सब इंजीनियर में तो डेफिनेटली आ सकता है, सब इंजीनियर का सिलेबस डिफाइंड नहीं है, सब इंजीनियर में जरूर पूछ सकता है, थोड़ा सा पढ़े थे डिप्लोमा। चलो चलिए 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 चलिए, क्लियर? तो याद रखें गाइस, तो ये पर्टिकुलर अपना सेशन इसी चीज का इंपॉर्टेंस है इसकी, है ना? तो आराम से समझने की कोशिश करना, जितना पढ़ाऊंगा उतना पढ़ना, है ना? और सिर्फ आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? ध्यान रखना। चलिए, चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, तो कुछ आपको फ्रीक्वेंसीज लिखवा रहा हूं गाइस, आप लोगों को जो एग्जाम में आपसे पूछी जाती है कुछ फ्रीक्वेंसीज मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं, क्लियर है? कुछ फ्रीक्वेंसीज मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं, तो याद रखना है। यहां पे सबसे पहला होता है गाइस हमारा वॉइस सिग्नल। गाइस वॉइस सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होती है ये होती है हमारी 300 हर्ट्ज से लेकर के, क्लियर, 3.5 किलोहर्ट्ज। गाइज अगर मैं बात करूं यहाँ पे ऑडियो फ्रीक्वेंसी की, तो गाइज जो हमारा ऑडियो फ्रीक्वेंसी होता है ये होता है 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज, आप सबको मालूम है। जिस फ्रीक्वेंसी से आप लोग बोलते हो, जिस फ्रीक्वेंसी से बेटा आप लोग बोलते हो और जो कोई इंसान सुन सकता है वो सिर्फ कितनी है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलोहर्ट्ज, इसको बोलते हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज। क्या बोलते हैं इसको? ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज। ये पेपर में पूछ लिया जाता है डायरेक्टली। एंड गाइज थर्ड वन इज अवर वीडियो फ्रीक्वेंसी रेंज, जहां पर हमारी फ्रीक्वेंसी होती है 0 से लेकर के करीब करीब 4.5 मेगाहर्ट्ज के आसपास। तो जो आप लोग वीडियो देखते हो, है ना, और जब वीडियो को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करते हैं, कम्युनिकेशन सब्जेक्ट का मतलब यही है कि आपको एक सिग्नल को दूसरी जगह पे क्या करना है, ट्रांसमिट करना है, एक सिग्नल को दूसरी जगह पर क्या करना है, ट्रांसमिट करना। क्लियर? एक सिग्नल को दूसरी जगह पे क्या करना है, ट्रांसमिट करना, ये बेसिकली हमारा कहलाता है वीडियो सिग्नल। क्लियर? हाँ भाई मधु, बिल्कुल नोट्स बना सकते हैं, क्यों क्या दिक्कत है, बिल्कुल नोट्स बना सकते हैं यार, बिल्कुल नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, नोट्स बनाते रहें आप साथ में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब गाइस कोई भी सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक चैनल चाहिए, आपको एक मीडियम चाहिए, क्योंकि बिना चैनल और बिना मीडियम के आप एक जगह से दूसरी जगह तक सिग्नल को ट्रांसमिट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आती बात की सर ये होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी चैनल के बारे में, कि चैनल क्या चीज है। तो गाइज आपका जो चैनल होता है उसका मतलब क्या होता है, कि मीडियम थ्रू विच मीडियम थ्रू विच सिग्नल इज ट्रांसमिटेड from one place to another place।
गाइस एक जगह से दूसरी जगह तक अगर हमको किसी सिग्नल को ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, चैनल होना चाहिए। अब कौन कौन से चैनल गाइस हम लोग यूज करते हैं बेसिकली, क्लियर है, कौन कौन से चैनल्स को हम लोग यूज करते थे पुराने टाइम में। आज तो चलो वायरलेस आ गया है आपका सब कुछ, है ना, बट पुराने जमाने में हम लोग कौन कौन से चैनल्स को यूज करते थे। आज तो सब वायरलेस हो गया है, क्लियर, आज तो सब क्या हो गया है, वायरलेस हो गया है। गाइस मैं रिप्लाई आप लोग का इसलिए नहीं कर रहा हूं अभी, क्योंकि तो जब मैं लिखता हूं तो तब मुझे आप लोगों की चैट नहीं दिख रही है ना, जब मेरा ध्यान पूरा लिखने के ऊपर होता है, बोर्ड के ऊपर होता है, उस समय मैं आप लोग का चैट नहीं देख रहा हूं। तो अभी आप लोग सुन लो पहले, उसके बाद अपन लोग समझ भी लें, क्लियर। चलिए फिर आप लोग का मैं रिप्लाई भी कर दूंगा, चिंता मत करो, 15-20-25 मिनट आधा घंटा पढ़ाऊंगा फिर आप सबके रिप्लाई कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट, क्लियर। चलो इसके बाद देखते हैं। तो गाइस एग्जांपल क्या है हमारे पास चैनल के, जरा मैं आपको बता देता हूं। एक होती है गाइस हमारे पास कोएक्सियल केबल, क्या होती है कोएक्सियल केबल, नहीं भाई हमें वीडियो प्राइवेट तो नहीं होगा लेकिन तेरे को लाइव देखना पड़ेगा, भगा तो प्राइवेट हो जाएगा। दूसरा होता है हमारे पास पैरेलल वायर, और तीसरा होता है ट्विस्टेड पेयर। गाइस आपसे एग्जाम में यहां पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से चैनल्स के थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन परफॉर्म करते थे या करते हैं, दैट इज कोएक्सियल केबल, पैरेलल वायर, ट्विस्टेड पेयर, ये सब हमारे चैनल्स हुआ करते थे। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई सर। हम अब एक चीज होती है जिसको बोलते हैं गाइस अपन लोग मॉड्यूलेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और यहां से आपसे सवाल पूछा जा सकता है, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। सर ये मॉड्यूलेशन क्या होता है, सर ये मॉड्यूलेशन क्या होता है, सर क्या होती है, क्या चीज है सर ये मॉड्यूलेशन। बेटा मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है, क्लियर है ना, क्या होता है मॉड्यूलेशन का मतलब, एक्चुअली में क्या होता है, हमें जब भी किसी सिग्नल को ट्रांसमिट करना होता है, हमें किसी सिग्नल को ट्रांसमिट करना होता है, तो यहां पे लगा एक मान लो ट्रांसमीटर, वहां लगा हुआ है एक रिसीवर, तो पहले तो ट्रांसमीटर क्या करेगा, सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, और रिसीवर उस सिग्नल को क्या करने वाला है, रिसीव करने वाला है, रिसीवर उस सिग्नल को क्या करने वाला है, रिसीव करने वाला है। तो ट्रांसमीटर ने उसको ट्रांसमिट कर दिया, रिसीवर ने उसको क्या करा, रिसीव करने की कोशिश करी, रिसीवर ने उसको क्या किया, रिसीव करने की कोशिश करी। अब जब रिसीवर ने उसको रिसीव करने की कोशिश करी तो रिसीवर एक तरीके का क्या है, एंटीना है। अब बात यह आती है वो एंटीना का साइज कैसे डिसाइड होगा। तो गाइस अगर हम लोग मॉड्यूलेशन कर देते हैं, क्लियर है, मॉड्यूलेशन अगर हम लोग करते हैं या मॉड्यूलेशन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। तो गाइस अगर हम लोग किसी भी सिग्नल का मॉड्यूलेशन करते हैं, मैं बताऊंगा आपको मॉड्यूलेशन मतलब क्या होता है, तो उससे गाइस आपकी जो एंटीना होता है ना उसकी हाइट रिड्यूस हो जाती है। तो आप जितना अच्छा मॉड्यूलेशन करोगे उतना एंटीना की हाइट क्या हो जाती है, रिड्यूस होने लगती है, ये ध्यान रखना। तो गाइस मैं आप लिखता हूं, क्लियर है, सबसे पहला मॉड्यूलेशन का नीड क्या है, सबसे पहली मॉड्यूलेशन की नीड क्या है ना, नीड क्या है ये अपने को पढ़ना। तो आपसे एग्जाम में यहाँ पे डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है कि एक सिग्नल को का मॉड्यूलेशन क्यों किया जाता है, एक सिग्नल का मॉड्यूलेशन क्यों किया जाता है ना, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मॉड्यूलेशन, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। चलिए इधर देखेंगे, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, तो गाइस सबसे पहला होता है हमारा रिड्यूसिंग द एंटीना हाइट। गाइस एंटीना की हाइट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग मॉड्यूलेशन करते हैं, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, क्लियर है। उसके बाद होता क्या एक्चुअली में, ये मॉड्यूलेशन होता क्या है, तो आपका गाइस क्या होता है, जिस भी सिग्नल को आपको ट्रांसमिट करना है उसकी फ्रीक्वेंसी को इतना ज्यादा बढ़ा दो, जब तो अगर उसकी फ्रीक्वेंसी को आप एक लिमिट से ज्यादा बढ़ा देते हो तो आपकी एंटीना की हाइट जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और आप लॉन्ग डिस्टेंस तक आप क्या कर सकते हो, सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हो। तो मैं यहां दूसरा पॉइंट लिखवाता हूं, मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस, बिल्कुल आराम से चलेंगे अपन, चिंता मत करो। अगर आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन कम्युनिकेशन के आएंगे तो ये मैं पूरी उम्मीद के साथ बोलता हूं आज की क्लास के बाद आपसे 1 या 2 क्वेश्चन तो बन जाए, है ना, आज की क्लास के बाद आपसे 1 या 2 क्वेश्चन तो बन जाए, ठीक है। लेकिन कोई भी बच्चा अगर ये सोचेगा, आप कोई भी बच्चा ये सोचेगा सर ये बताओ, तो बेटा सीरियस बात है, कम्युनिकेशन अपने आप में 80 घंटे का सब्जेक्ट है। अब 80 घंटे की चीज को अगर मैं 2 घंटे में बताने की कोशिश करूंगा तो जाहिर सी बात है कि जितना पेपर में आएगा उतना तो बनना नहीं है, लेकिन हाँ 50-60% आप कर लोगे ये मेरी गारंटी है। तो उतने के लिए ही हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि बाकी बच्चों को तो वो भी नहीं आता है कि उसमें से कुछ टच भी कर पाए सब्जेक्ट, क्लियर, ये मैं आपको बोल रहा हूं। तो मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस of increasing the frequency
इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल। गाइस मॉड्यूलेशन हमारा एक प्रोसेस है कि किसी भी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना टू रिड्यूस द एंटीना हाइट, टू रिड्यूस द एंटीना हाइट। तो गाइस एंटीना की हाइट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग मॉड्यूलेशन परफॉर्म करते हैं। क्या ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, बिल्कुल असना, बिल्कुल। आपकी राइटिंग समझ में नहीं आ रही, कैसी बात कर रहे हो भाई, कैसी बात कर रहे हो बेटा, मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही। मेरे से अच्छा लिखता कौन है पहले ये बता। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको राइटिंग मेरी समझ में नहीं आ रही है? मेरे से अच्छा कौन लिखता है ये बताओ। मेरे से अच्छा कौन लिखता है मेरे को बताओ। देखा किसी को मेरे से अच्छा लिखते हुए? लोग मुझसे सीखते हैं कि ऐसी राइटिंग को लिखना कैसे है। ठीक है, क्या बोलूं अब मैं, क्या बोलूं अब मैं। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। अब सुनना मेरी बात को। एक क्वेश्चन यहां से एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ठीक है? एक क्वेश्चन बहुत पहले भी पूछा गया है एग्जाम में, मॉड्यूलेशन के वजह से आप क्या क्या कर सकते हो। तो बाय मॉड्यूलेशन क्या कर सकते हो गाइस, आपको मैं बताता हूं। एक्चुअली मॉड्यूलेशन पता है करते कैसे हैं? मैं बताता हूं। क्या होता है बेटा, ये मान लो आपका एक सिग्नल है, ये आपका क्या है, एक सिग्नल, ठीक है? अब यहां पे लगाई जाती है एक सर्किट जिसको बोलते हैं मॉड्यूलेटर। ये इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो यहां तक फ्रीक्वेंसी बढ़ गई और यहां लगा दिया जाता है गाइस एक डीमॉड्यूलेटर। ये क्या करता है, वापस से उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को वही बना देता है और फाइनली यहां पे सिग्नल आपको दे देता है। तो कुल मिला के क्या हुआ, स्टार्टिंग में सिग्नल की एक कोई नॉर्मल फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है? उसको हमने मॉड्यूलेट करके उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के बाद वापस रिसीविंग एंड पे क्या किया, डीमॉड्यूलेटर। तो एग्जाम में आपसे पूछता है मॉड्यूलेटर लगता कहां पे, मॉड्यूलेटर से करते क्या है। तो गाइस मॉड्यूलेटर से करते हैं मॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेटर लगता कहां पे, मॉड्यूलेटर लगता है आपका ट्रांसमिटिंग एंड पे, जहां से आप ट्रांसमिट कर रहे हो। और गाइस एक होता है डीमॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर कहां लगता है गाइस, आपका रिसीविंग एंड पे, जहां पे आप क्या कर रहे हो, सिग्नल को रिसीव कर रहे हो। क्लियर है, ये ध्यान रखना। तो मैं एक चीज, एक पॉइंट लिखवा रहा हूं, बाय मॉड्यूलेशन सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम लो फ्रीक्वेंसी रीजन टू हाई फ्रीक्वेंसी रीजन। तो याद रखना, एक लो फ्रीक्वेंसी रीजन को, लो एक सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है कि अगर सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी रीजन में तो वो किस रीजन में आ जाए, एक हाई फ्रीक्वेंसी के रीजन के अंदर आ जाए। ये भी एक लाइन है गाइस किसकी, मॉड्यूलेशन की। तो गाइस इससे होता क्या है, मैं आपको बताता हूं।
इसे क्या होता है, जो बेस बैंड सिग्नल होता है ना, याद रखना मॉड्यूलेशन करने से क्या होता है गाइस, हमारा जो बेस बैंड सिग्नल होता है, मॉड्यूलेशन करने से हमारा क्या होता है, जो बेस बैंड सिग्नल होता है, ये नाम याद रखते हैं आपको, है ना, ज्यादा दिमाग मत लगाने लग जाओ ना ये क्या होता है और वो क्या होता है, फिर तो दो घंटे की क्लास में तुमको केवल मैं मॉड्यूलेशन ही पढ़ा पाऊंगा कि मॉड्यूलेशन होता क्या है ना। तो ये मैं बोल रहा हूँ, आप अपने सिर्फ एग्जाम पॉइंट के हिसाब से सोच के आगे बढ़े। चलिए तो गाइस बेस बैंड सिग्नल को ये क्या करता है, क्लियर है, बेस बैंड सिग्नल को क्या करता है, ये बेस बैंड सिग्नल को कन्वर्ट करता है बैंड पास सिग्नल में। तीसरा पॉइंट, वाइड बैंड सिग्नल को कन्वर्ट करता है ये नैरो बैंड सिग्नल में। तो गाइस आपसे यहां पे डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है, यहां पे आपसे डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है मॉड्यूलेशन की मदद से, विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलेशन बेस बैंड सिग्नल जो आपका होता है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका किसके अंदर, बैंड पास सिग्नल के अंदर, और वाइड बैंड सिग्नल जो होता है आपका कन्वर्ट हो जाता है नैरो बैंड सिग्नल के अंदर। तो डायरेक्टली आपसे ये कुछ सवाल पूछा जा सकता है, क्लियर है, ध्यान रखना। अब ये तो हो गया भाई मॉड्यूलेशन क्या होता है, तो मॉड्यूलेशन आपको समझ में आ गया करते क्यों है, तो आपको बता देना कि भाई इससे एंटीना की हाइट क्या हो जाती है, रिड्यूस होती है। मतलब क्या है इसका सर, इसका मतलब ये सर पेड लेक्चर में पढ़ा है ये सब्जेक्ट, बिल्कुल नहीं पेड बैच में ये सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये मुश्किल से एक आध एग्जाम में पूछा जाता है, एक या दो तीन एग्जाम के अंदर, अदरवाइज ये आपका पर्टिकुलरली नहीं पूछा जाता, ठीक है, ध्यान रखें। तो गाइस ये दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। अब मॉड्यूलेशन के बाद आता है गाइस डीमॉड्यूलेशन। अब डी मॉड्यूलेशन के बारे में बताएं, क्लियर, RSMJV इलेक्ट्रिकल के सिलेबस अकॉर्डिंग टू रिवीजन करा देना सर, वही तो करवा रहे हैं बेटा पुखराज, वही तो करवा रहा हूं। चलिए तो गाइस यहां पे देखेंगे अपन लोग डी मॉड्यूलेशन के बारे में। तो गाइस याद रखना जो सिग्नल आप ट्रांसमिट कर रहे हो उसको वापस से रिसीव बैक रिसीव कर लेना, इसी को अपन लोग बोलते हैं प्रोसेस ऑफ डी मॉड्यूलेशन, ठीक है, प्रोसेस ऑफ डी मॉड्यूलेशन। Process of receiving back the signal at receiver end called as demodulation, ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ओके सर, याद रखना, क्लियर, ये भी समझ में आ गया सर। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं, जरा सुनना मेरी बात को, आप बोल रहे हो सर आज बड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहे हो, मधु चिंता मत करो, जितना लिख पा रहे हो उतना लिख लो, बाकी मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, कुछ भी चिंता मत करो, सब करवा रहा हूं, वेट तो करो मुझे, मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, उन पॉइंट्स पर मैं सोच रहा हूं और उसके हिसाब से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, उसके हिसाब से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ताकि आपके आपकी कोई चीजें छूटे ना, ठीक है। चलिए
अब गाइस हमारे पास अगर कोई सिग्नल है जिसको हमको भेजना है या कभी हमको कोई सिग्नल को कहीं भेजना होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमने बोला जैसे मान लो मैं हूं तो मुझे यार कोई मैसेज देना है, दैट सपोज मुझे कोई मैसेज देना है, किसको मैसेज देना है, क्लियर, रोहित को मुझे कुछ मैसेज देना है, तो मैंने बोला यार ये सिग्नल है मैं भेज रहा हूं, है ना, ऑडियो सिग्नल है मैं भेज रहा हूं, किस फॉर्म में भेज रहा हूं, मैसेज, तो जो सिग्नल, क्लियर है सर, कैन यू टेक प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्लीज, आज की बेटा प्लीज, आज शायद फर्स्ट क्लास देख रहे हो मेरी, क्लियर है, आज आप शायद मेरी फर्स्ट क्लास देख रहे हो, है ना, चलो तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता। तो गाइस एमटी जो होता है हमारा, उसको हम लोग कम्युनिकेशन में हमारा जो एक सिग्नल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैसेज सिग्नल, हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल वो होता है जिस सिग्नल को आपको ट्रांसमिट करना है एक जगह से दूसरी जगह तक। तो गाइस एम ऑफ टी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एम ऑफ टी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए एम कॉस, ओमेगा एम इंटू टी, क्लियर, तो याद रखना आज से जो मैसेज सिग्नल होता है वो आपका होता है ए एम कॉस ओमेगा एम इंटू टी, दिस इज कॉल्ड एज मैसेज सिग्नल। अब बात आती है सर ये एक्चुअली में है क्या, ये मॉड्यूलेशन एक्चुअली में है क्या, क्लियर, तो अभी मॉड्यूलेशन के बारे में मैंने आपको बताया, डी मॉड्यूलेटर के बारे में मैंने आपको बताया, क्लियर, मैंने डी मॉड्यूलेटर के बारे में आपको बताने की कोशिश करी, और ये आपका मैसेज सिग्नल है जिसको आपको एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसमिट करना है। तो गाइस जो अगर आप लोग इसको जब ट्रांसमिट कर रहे हो और अगर आप इसके एम्पलीट्यूड को वेरी कर रहे हो तो बोला जाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रहे हो तो बोला जाता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो जो एम बोलते हैं ना आप एम सिग्नल उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, आप जो एफएम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, क्लियर है, जरा ध्यान सुनो, इट इज द प्रोसेस, तो मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस आज के सुबह मॉर्निंग से क्लास ले रहा हूँ थोड़ा टायर्ड सा हूँ पर ठीक है, इन विच वन ऑफ द पैरामीटर और वन ऑफ द पैरामीटर में कौन कौन से आते हैं गाइस, एक होता है आपका एम्पलीट्यूड, एक होता है आपका फ्रीक्वेंसी, एक होता है आपका फेज, और ठीक है इट इज द प्रोसेस इन विच वन ऑफ द पैरामीटर, चाहे आप एम्पलीट्यूड की बात कर लो, आप बोलोगे सर क्या मतलब इसका, देखो ये रहा बेटा आपका एम्पलीट्यूड, ये ओमेगा एम क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा ओमेगा एम टी के प्लस अगर फाइव लिखा होता तो वो क्या होता है इसका फेज, तो इन तीनों में से किसी एक चीज को, क्लियर है, एक चीज को ऑफ द कैरियर सिग्नल, ऑफ कैरियर सिग्नल, कैरियर सिग्नल क्या होता है बताता हूं, सब बता रहा हूं ठीक है, लिख लें तो पहले will be varied, चलिए क्या मतलब इसका जरा सुनना guys, ये मेरा एक हाथ है और ये मेरा एक हाथ है, मुझे इस हाथ से लेके इस हाथ तक एक सिग्नल ट्रांसमिट करना है, जिसको ट्रांसमिट करना होता है उसको बोलते हैं मैसेज सिग्नल, अब इस हाथ से इस हाथ की तरफ एक सिग्नल जाएगा जिसको बोलते हैं मैसेज सिग्नल, अभी किस तरीके से जा रहा है ना, तो कैसे जा रहा होता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले हम लोगों को एक सिग्नल भेजना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैरियर सिग्नल, कैरियर मतलब क्या होता है किसी एक चीज को यहां से वहां लेके जाना, तो एक्चुअली में क्या होता है आपके इस हाथ तक मैसेज सिग्नल तभी ट्रांसमिट करेगा जब आपके पास क्या हो, कैरियर हो भाई, एक जगह से दूसरे जगह आप तभी जा सकते हो जब आपके पास गाड़ी हो, है ना, या एक पैदल भी जाना हो तो आपको पता होना चाहिए रास्ता हो, रास्ता तो बिना रास्ते के आप जा नहीं पाओगे, ऐसे मैसेज सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकता अगर बीच में कैरियर ना हो, तो पहले क्या होता है हम लोग कैरियर को उठाते हैं, कैरियर को उठाते हैं और कैरियर के या तो एम्पलीट्यूड को वेरी कर रहे हैं तो कहलाता है क्या, वो कैरियर के एम्पलीट्यूड को वेरी अगर हम कर रहे हैं, क्लियर है, रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलेशन, रिस्पेक्ट टू आपके मैसेज सिग्नल, तो ये कहलाता है आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, अगर कैरियर के हम लोग फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रहे हैं तो ये कहलाता है आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और अगर हम लोग उसके फेज को वेरी कर रहे हैं तो ये कहलाता है आपका फेज मॉड्यूलेशन। तो अपन स्टार्ट करते हैं अब से अपना एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जिसको आप लोग बोलते हो ए एम, एम क्या होता है गाइस आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल। अब याद रखना आज से इसके अंदर मैं आपको कुछ टर्म्स लिखवा रहा हूं ठीक है, अब आपको तो समझ में आ गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मतलब क्या, एक सिग्नल को दूसरी जगह पे भेजना है, एक सिग्नल को दूसरी जगह पे भेजना है,
क्लियर, एक सिग्नल को दूसरे जगह भेजना और क्या वेरी करते हुए, एम्पलीट्यूड वेरी करते हुए, क्लियर, याद क्या वेरी करते हुए, आपको क्या वेरी करते हुए जाना है, एम्पलीट्यूड को वेरी करते हुए, ठीक सर, ये बात भी समझ में आ गई। चलिए अब इसके अंदर क्या होता है गाइस, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल में इसका डायग्राम भी बना दूंगा, आप लोग चिंता मत करो, ठीक है। एम ऑफ टी क्या है आपका गाइस, मैसेज सिग्नल, इसके बाद गाइस आपका एसी कॉस ऑफ, एसी कॉस ऑफ ओमेगा सी टी, ये आपका कहलाता है कैरियर सिग्नल। तो ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ कैरियर सिग्नल के ऊपर बैठ जाएगा कौन, मैसेज सिग्नल, और पहुंच जाएगा, और जब पहुंच जाएगा तो जिस समय ये पहुंच रहा होता है एक हाथ से दूसरे हाथ तक, तब तक ये क्या हो चुका होता है, मॉड्यूलेटेड हो चुका होता है। तो याद रखना जनरल एक्सप्रेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या होता है, क्या मतलब हुआ इसका बेटा, जो आपका जनरल एक्सप्रेशन है किसी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, मतलब क्या है, ये मेरा हाथ है, इस हाथ से लेके आपको इस हाथ तक एक सिग्नल भेजना, उसको बोलते हैं मैसेज सिग्नल, जिसके ऊपर रख के भेजोगे उसको बोलते हैं कैरियर सिग्नल, और जब ये जा रहा होता है तो उसका, उसको बोलते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल, मतलब मॉड्यूलेशन हो चुका है। तो गाइस याद रखना एक जनरल एक्सप्रेशन बता रहा हूं मैं आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, वो ये होता है आपका, दैट इज ऑफ एसी इंटू वन प्लस के ए इंटू एम ऑफ टी, के ए इंटू एम ऑफ टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी। एक याद रखो एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जनरल एक्सप्रेशन जो आपका होता है वो होता है एसी इंटू वन प्लस के ए एम टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी। यहां तक की बात समझ में आती है तो जल्दी बताएं फटाफट सभी लोग, यहां तक की बात क्लियर होती है समझ में आई, ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, इस एक्सप्रेशन से हम काफी सारी चीजें ड्राइव करेंगे, अभी चिंता मत करो। चलिए बताओ यहां तक समझ में आता है, फोन नहीं दिख रहा है, मेरा हेड कहां आ गया, फोन नहीं दिख रहा तुमको, ठीक है चलिए आगे मूव ऑन करता हूं। अब यहां पर गाइस के ए क्या है, एसी तो आपको पता है कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड, एम टी पता है आपको मैसेज सिग्नल, ये भी आपको पता है, यहां पे के ए क्या है, के ए को बोलते हैं हम लोग के ए को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी, एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी ऑफ ए एम मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी किसकी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, के ए बोलते हैं। क्लियर हो गया तब बट, यस सर क्लियर हो गया। गाइस दो मिनट के लिए मुझे बस थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, है ना, सिर्फ पांच मिनट के लिए मुझे ब्रेक दीजिएगा, ठीक है, पांच मिनट के बाद मैं वापस आप लोगों को मिलता हूँ, सिर्फ पांच मिनट का आप लोग से ब्रेक ले रहा हूँ, तो सॉरी फॉर दैट, एक मतलब एक थोड़ा सा मुझे इंपेशेंस सा लग रहा है, इस वजह से मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आपको बस पांच मिनट के लिए मुझे ब्रेक दीजिए, फाइव मिनट्स के अंदर आई विल बैक, क्लियर, फाइव मिनट्स के अंदर आई विल बैक, और सारे बच्चों को क्लास में एंड तक रुकना है बेटा, यकीन मानो जितना पढ़ाऊंगा उतना सफिशियंट हो जाएगा आपके आराम से 50% स्कोर करने के लिए, क्लियर है, चलिए फटाफट 5 मिनट का टाइम, जिसको भागना होता है वो भाग जाएगा, जाने वाले को कोई नहीं रोक पाया।
चलिए गाइस, तो आगे मूव ऑन करते हैं, आगे मूव ऑन करते हैं पर्टिकुलर अपन, क्लियर। चलो आधे लोग भाग चुके हैं, दे डोंट हैव पेशेंस, ठीक है, आएंगे आराम से। चलो तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि हमारा जो पर्टिकुलर मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है, जब हम मॉड्यूलेशन कर देते हैं तो हमारा जो सिग्नल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल, वो होता है आपका एसी इंटू वन प्लस के एम टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा सी टी, क्लियर। ठीक है सर, अब इसके अंदर जरा देखना है चीज बता, सबसे पहले तो अब यहां से आपसे सवाल कैसे पूछता जा रहा मैं आपको बता, सबसे पहला सवाल आपसे पूछेगा, न्यूमेरिकल भी पूछ लेगा डायरेक्ट, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बैंडविड्थ कितनी होती है। ठीक है, पहला सवाल तो आपसे डायरेक्ट ये पूछता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बैंडविड्थ कितनी होती है। तो अब मैं कुछ चीजें आपको पॉइंट वाइज बता रहा हूं, ठीक है, जरा सुनना, एक एम सिग्नल जो होता है उसकी बैंडविड्थ कितनी होती है, तो इसकी बैंडविड्थ होती है गाइस टू इंटू मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ। तो आपको एग्जाम में बोलेगा एक मैसेज सिग्नल है उसकी बैंडविड्थ है 10 किलोहर्ट्ज़, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बैंडविड्थ कितनी होगी, तो आप उसको जस्ट डबल कर देना 2 इनटू मैसेज सिग्नल। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, यहां पे मैं आपको बताता हूं, दूसरा पॉइंट होता है गाइस यहां पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स, गाइस आपका जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है इसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू ठीक है, और म्यू से आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा जाता है, इसका फॉर्मूला होता है के ए इंटू ए एम। तो गाइस आपसे पूछा जाएगा एक मॉड्यूलेशन सिग्नल में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के अंदर मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना होता है, तो आपको बोलना है हमेशा क्या के ए इंटू ए एम, क्लियर। चलिए अगर गाइस मैं यहाँ पे याद रखना है आप लोगों को, अगर मेरी म्यू की वैल्यू लेस देन वन हो जाती है, तो उसको मैं बोलता हूँ अंडर मॉड्यूलेशन, क्या बोलता हूँ इसको अंडर मॉड्यूलेशन। तो यहां से अगेन एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बन सकता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर क्या बन सकता है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, अगर हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 1 है तो हम उसको बोलते हैं अंडर मॉड्यूलेशन, अगर हम लोग का म्यू की वैल्यू 1 के बराबर है तो हम लोग उसको बोलते हैं क्रिटिकल मॉड्यूलेशन, अगर मेरा म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो मैं आपको बोलता हूं इसको बोलते हैं ओवर मॉड्यूलेशन। तो अभी तक मैंने आपको बताया मॉड्यूलेशन करते क्यों है, मॉड्यूलेशन अलग अलग टाइप का होता है, आप एम्पलीट्यूड को वेरी कर रहे हो तो कहलाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और उसी के अंदर हम लोग बाकी की सारी चीजों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्लियर है। चलिए अब इसके बाद चलिए, अब गाइस यहां पर क्या होता है, एक न्यूमेरिकल आप लोगों से पूछा जाता है और एक फॉर्मूला आप लोगों से पूछा जाता है, क्लियर है। चलिए यहां से आप लोगों को एक न्यूमेरिकल और एक फॉर्मूला आप लोगों से पूछा जाता है, आप बोलेंगे सर क्लियर है, सर एनबीसीसी में वही क्वेश्चन आए जो आपने पढ़ाए थे, साफ क्वेश्चन आपकी क्लास से आए, क्या बात कर रहा है रन सिंह भाई, कितने लोगों का एनबीसीसी का पेपर हो गया है, जो पढ़ाया वही आया था क्या, बस आधे तो आएंगे ही नहीं आज, अच्छा आज एनबीसीसी का पेपर इसलिए बच्चे कम दिख रहे हैं। जो पढ़ाया वही आया क्या, अभी एग्जाम से बाहर आया हूं सर, मजा आ गया, क्या बात है रण सिंह भाई, बहुत बढ़िया। चलिए सो गाइस यहां पे मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमारा जो अंडर मॉड्यूलेशन क्या होता है, क्रिटिकल मॉड्यूलेशन क्या होता है और ओवर मॉड्यूलेशन हमारी क्या चीज होती है। ठीक है सर, चलिए इसके बाद जरा देखेंगे गाइस, अगर मैं बात करूं एक पावर की, किसी भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की पावर की अगर मैं बात करूं, तो पावर ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या होता है, पावर ऑफ ए एम सिग्नल ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में आने के पूर्ण रूप से इसके चांसेस है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, अगर कम्युनिकेशन से क्वेश्चन पूछते हैं तो यही एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर क्वेश्चन आता है।
क्लियर। तो गाइस टोटल पावर जो होती है हमारी एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की, टोटल पावर जो होती है पीटी को हम लोग बोलते हैं टोटल पावर, जो टोटल पावर होती है हम लोगों की ये होती है पीटी इक्वल्स टू पीसी प्लस मतलब कैरियर सिग्नल की पावर प्लस पी टाइम्स ऑफ यूएसबी, यूएसबी मतलब बताऊंगा अभी मैं क्या होता है, एंड पी टाइम्स ऑफ एलएसबी। ठीक है, तो गाइज यहां पे पी जो होता है वो सॉरी यूएसबी को बोलते हैं अपर साइड बैंड, एलएसबी को गाइज हम लोग बोलते हैं लोअर साइड बैंड, क्लियर। तो गाइज यूएसबी होता है अपर साइड बैंड और एलएसबी होता है लोअर साइड बैंड, और पीसी जो होता है वो होता है पावर ऑफ कैरियर, इन तीनों की पावर को ऐड करते हैं तो एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की टोटल पावर निकल के आती है, क्लियर। एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की टोटल पावर निकल के आती है। अब जो टोटल पावर होती है इसका फॉर्मूला क्या होता है जरा मैं वो भी बताता हूं आपको, जो टोटल पावर हमारी निकलती है इसका जो फॉर्मूला होता है दैट शुड बिकम इक्वल्स टू कैरियर पावर इनटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2, ये होता है हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हमेशा परमानेंटली आप अपने दिमाग के अंदर चिपका के रख लेना, ये डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है, दिस इज द पावर फॉर टोटल पावर फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, क्लियर है। चलिए अब इसके बाद देखेंगे, चलिए तो गाइस अगर मैं पीसी को अंदर मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं पीसी को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा मेरा पीसी प्लस पीसी इंटू म्यू स्क्वायर बाय 2, ये निकल के आ जाएगा। हाँ सर, अब आप मुझे बताओ इस फॉर्मूले को इसके साथ कोइंसाइड करवाओ, इस फॉर्मूले को इसके साथ कोइंसाइड करवाओ, अगर आप इस फॉर्मूले को इसके साथ कोइंसाइड करवाते हो तो आपको समझ में आ जाएगा पीसी है आपकी कैरियर पावर, ये लिखी हुई है आपकी, ठीक है, और इन दोनों की जो पावर है, इन दोनों की जो पावर है वो कितनी निकल के आ रही है, मतलब ये जो पावर है वो किसकी है, तो पी यू एस बी मतलब अपर साइड बैंड प्लस पी एल एस बी मतलब लोअर साइड बैंड की जो टोटल पावर निकल के आ रही है वो हमारी है पीसी इंटू म्यू स्क्वायर बाय 2। और गाइस इससे हमको ये समझ में आ चुका है कि अपर साइड बैंड के अंदर जो पावर होती है, डायरेक्टली पूछेगा आपसे, अपर साइड बैंड के अंदर जो पावर होती है वो होती है म्यू स्क्वायर बाय 4 इंटू पीसी, और लोअर साइड बैंड के अंदर भी जो पावर होती है दोनों में बराबर पावर होती है, ये कितनी होती है गाइस म्यू स्क्वायर इंटू पीसी बाय 4। तो गाइस एक तो आपसे ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है, ठीक है, एक आपसे ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है, इसके ऊपर आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, आपको बोलेगा कैरियर पावर इतनी है मॉड्यूलेशन इंडेक्स से बताओ अपर साइड बैंड में पावर कितनी होगी, डायरेक्टली आपसे ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों से यहाँ पे पूछने की बनती है, क्या यहां तक का पार्ट क्लियर है। सर कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल वालों से नहीं पूछा जा सकता, किसने बोला बेटा राठौर, किसने बोला, तो फिर मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, मेरे को कैसे आ गया, मैं भी तो इलेक्ट्रिकल गई हूं। चलिए तो गाइस ये फॉर्मूलेज आप लोगों को याद रखना है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के अंदर जो कि पावर के फॉर्मूले, क्लियर। चलिए इसके बाद देखते हैं, चलिए अब एग्जाम में और किस तरीके के केसेस आपसे पूछेगा, आपसे बोलेगा अगर आपका है ना, आपसे बोलेगा गाइस अगर आप लोगों का मॉड्यूलेशन इंडेक्स जीरो है, मतलब मॉड्यूलेशन एक तरीके से हो ही नहीं रहा, अगर आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स जीरो है तो आपकी टोटल पावर किसके बराबर होगी, तो गाइस आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट कर सकते हो, यहाँ जीरो रख दूंगा तो टोटल पावर किसके बराबर हो जाएगी, कैरियर पावर के बराबर हो जाएगी, कैरियर पावर के बराबर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो ये डायरेक्टली आपसे पूछेगा, इन ऐसे करके पूछेगा, अ मैसेज सिग्नल इज टू बी मॉड्यूलेटेड विद द हेल्प ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इफ द मॉड्यूलेशन इंडेक्स शुड बी जीरो देन द टोटल पावर ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल विल बी दैट शुड बी इक्वल्स टू कैरियर पावर। केस टू क्या बोलेगा गाइस आपको, केस टू बोलेगा अगर म्यू की वैल्यू 1 हो जाती है तो इसको बोलते हैं 100% मॉड्यूलेशन, क्या बोलते हैं इसको 100% मॉड्यूलेशन। अब गाइस ये हो गया 100% मॉड्यूलेशन, तो याद रखना अगर 100% मॉड्यूलेशन है तो जो टोटल पावर हमारी निकल के आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, आप लोग कर सकते हो पीटी इक्वल्स टू पीसी इंटू 3 बाय 2, पीसी इक्वल्स टू पीसी इंटू 3 बाय 2, ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो।
इसका मतलब क्या हुआ, क्लियर है? अगर मेरे म्यू की वैल्यू, अगर मेरी म्यू की वैल्यू, देखो म्यू की वैल्यू अगर जीरो थी तो एक बहुत प्यारा क्वेश्चन यहां से बनता है कि जब आपकी म्यू की वैल्यू जीरो थी तो टोटल पावर जो थी वो पीसी के बराबर थी, लेकिन जब आपकी म्यू की वैल्यू वन हुई तो टोटल पावर हो गई पीसी इंटू 1.5, मतलब कितनी बढ़ गई, 50% बढ़ गई। तो गाइज ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स को मैं जीरो से लेकर वन तक वेरी करूं तो आपकी जो टोटल पावर होती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की वो कितने परसेंट में इंक्रीमेंट आता है, उसमें इंक्रीमेंट आता है ओनली सिर्फ 50% के अंदर। तो मैं लिखता हूं by varying by varying from mu should become equals to 0 to 1, अगर मैं mu को 0 से लेके 1 तक vary करूं, so pt increase by 50%, तो आपका जो पीटी होता है वो किससे इंक्रीज हो जाता है, 50% आपका पीटी जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, क्लियर है? तो पीटी जो आपका होता है वो 50% से इंक्रीज हो जाता है। तो गाइस अगर मैं यहां से पीसी की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो पीसी की वैल्यू कितनी आती है सर, पीसी वैल्यू निकल के आती है 2/3 टाइम्स ऑफ टोटल पावर। ओके सर, बेटा 2/3 को क्या लिखते हैं पता है, 2/3 को लिखते हैं 0.666 इंटू टाइम्स ऑफ पीटी, क्लियर है? इसका मतलब पीसी कितना है आपका सर, पीसी है हमारा कितना, अब इसको अगर मैं परसेंटेज में देखूं तो कितना है, 66.66% ऑफ टोटल पावर, 66% ऑफ टोटल पावर। तो गाइस आपका जो कैरियर पावर होती है, आपकी जो कैरियर पावर होती है वो 66.66% होती है किसके, टोटल पावर के। कब ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली ऐसा पूछेगा कि जो कैरियर पावर होती है वो टोटल पावर के कितने प्रतिशत होती है, कितने परसेंटेज होती है अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 1 के बराबर है तो, ठीक है? ये ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद जरा देखो, आपको पता है पीटी क्या होता है, पीटी होता है गाइस आपका पीसी प्लस अपर साइड बैंड की पावर प्लस लोअर साइड बैंड की पावर। अब आपको ये तो पता ही है। हाँ सर, ऐसी सिचुएशन में गाइस अगर आप मुझे बताओ, अगर मैं यहां पे पीसी की वैल्यू को 2/3 टाइम्स ऑफ पीटी लिख दूं तो क्या होगा, पीटी इक्वल्स टू 2/3 टाइम्स ऑफ पीटी प्लस पावर ऑफ अपर साइड बैंड एंड पावर ऑफ लोअर साइड बैंड, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, PT should become equals to into 1/3 equals to into 1/3 equals to PUSP plus PLSP। तो गाइस ये कितना हो जाएगा, PT into 1/3 हो जाएगा आपका कितना, 33%। इसका मतलब क्या है याद रखना, अपर साइड बैंड, छुप जाता हूं ताकि आप लोग को देखने लग जाए, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड के अंदर जो पावर होती है कब, जब म्यू की वैल्यू 1 हो, लोअर साइड बैंड के अंदर जो पावर होती है वो कितनी होती है, 1/3 टाइम्स ऑफ पीटी, मतलब 33.33% ऑफ टोटल पावर। तो आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में जितनी भी पावर है उसका 33% जो होता है वो साइड बैंड्स के अंदर होता है, और जो पी और जो 66% होता है वो कैरियर के अंदर आपका पाया जाता है, वो आपका कैरियर के अंदर पाया जाता है, क्लियर है? वो आपका कैरियर के अंदर पाया जाता है, ये ध्यान रखना। क्या यहां तक का पार्ट क्लियर हुआ, हाँ या ना जल्दी बोलेंगे, क्या यहां तक का पार्ट क्लियर हुआ, हाँ या ना जल्दी बोलेंगे। राठौर बेटा कितने एग्जाम दे दिए तूने आज तक, मैं तो पढ़ा रहा हूं इतने सालों से कम मैंने अपनी जिंदगी में 50 के ऊपर एग्जाम दिए होंगे। चलिए अब आती गाइस मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी। मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी ये क्या चीज है, तो गाइस मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी जो आप लोगों की होती है, मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी जो आप लोगों की होती है वो क्या होती है, मैं आपको बताता हूं गाइस। मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है पावर ऑफ अपर साइड बैंड प्लस पावर ऑफ लोअर साइड बैंड डिवाइडेड बाय टोटल पावर इनटू 100
डिवाइडेड बाय टोटल पावर इनटू 100. दिस इज द परसेंटेज मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी. दिस इज कॉल्ड एज परसेंटेज मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी. तो गाइस यहां पे याद रखें, सो आपका जो परसेंटेज एफिशिएंसी होती है वो आपकी निकल के आएगी पीसी इनटू म्यू स्क्वायर बाय 2 अपॉन टोटल पावर. कितनी गाइस आप लोग को भी पता है टोटल पावर हमारे पास अवेलेबल है पीसी इनटू वन प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2. पीसी इंटू वन प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2 ये निकल के आ गई हमारी क्या परसेंटेज एफिशिएंसी. अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो पीसी से पीसी कैंसिल हो जाएगा. जब भी इसको कैलकुलेट करोगे तो परसेंटेज एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला आता है जो आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है. अरे इसको तो न्यूमेरिकली पूछ देगा, बोलेगा मॉड्यूलेशन इंडेक्स इतना, बताओ परसेंटेज एफिशिएंसी कितनी होगी. तो कहिए कितना निकल के आएगा, म्यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस म्यू स्क्वायर. म्यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस म्यू स्क्वायर. 2 प्लस म्यू स्क्वायर क्लियर है, म्यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस म्यू स्क्वायर क्लियर. चलिए अब इधर देखेंगे. तो गाइस अब आप अलग अलग वैल्यूज पे अगर आपसे कोई बोले म्यू इतना है तो बताओ एफिशिएंसी कितनी होगी, म्यू इतना है तो बताओ एफिशिएंसी कितनी होगी, ये सारी चीजें अगर आपसे कोई बार बार बोले तो आप आराम से मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी उसको निकाल के बता सकते हो अगर आपको ये फॉर्मूला भी पता है तो. क्लियर, चलो अभी तक देखेंगे. चलिए एक सवाल करवाता हूं आप लोगों को. फॉर एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ईच ऑफ द साइड बैंड, ईच ऑफ साइड बैंड पावर इज गिवन बाय किलोवाट. हर एक पर्टिकुलर की साइड बैंड की जो पावर है हम उनको कितनी देख रखी है, 2 किलोवाट के आसपास देख रखी है. एंड कैरियर पावर इज गिवन बाय एट किलोवाट. फाइंड द परसेंटेज मॉड्यूलेशन. फाइंड द परसेंटेज मॉड्यूलेशन. जल्दी ट्राई करो यार इस क्वेश्चन को, जल्दी ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को सभी लोग. फॉर एन एम ईच ऑफ द साइड बैंड पावर इज गिवन बाय 2 किलोवाट, कैरियर पावर इज गिवन बाय 8 किलोवाट. फाइंड द परसेंटेज मॉड्यूलेशन. आपको निकालना है परसेंटेज मॉड्यूलेशन कितना होगा. जल्दी करो कितना होता है. ठीक जल्दी फटाफट. जल्दी करेंगे यार, इतना टाइम नहीं लेना है, जल्दी करो अभी तो सिखाया.
नहीं करेंगे यू एंड में, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लोड मत ले इतना। चलिए गाइस, ए एम टी ईच की पावर हमको गिवन है, कैरियर की पावर भी हमको गिवन है, आप लोगों को बताना है परसेंटेज मॉड्यूलेशन कितना होगा। ठीक है, तो आप मुझे बताओ सबसे पहले तो टोटल पावर कितनी है। तो कैरियर पावर कितनी है गाइस, 8 किलोवाट। अपर साइड बैंड में पावर कितनी है, 2 किलोवाट। लोअर साइड बैंड में कितनी है, 2 किलोवाट। ओवरऑल कितना हो गया सर, 12 किलोवाट। ये 12 किलोवाट तो हमारा निकल के आ गया टोटल पावर। अब मुझे बताओ एफिशिएंसी क्या होती है, पावर इन अपर साइड बैंड प्लस पावर इन लोअर साइड बैंड पावर इन अपर साइड बैंड प्लस पावर इन लोअर साइड बैंड डिवाइडेड बाय द टोटल पावर डिवाइडेड बाय द टोटल पावर, इसको अपन लोग बोलते हैं परसेंटेज एफिशिएंसी इनटू 100। या फिर अगर हम बात करें, ठीक है, ऐसा ना करके एफिशिएंसी नहीं निकालते हैं, काम करते हैं, एफिशिएंसी नहीं निकालते हैं, काम करते हैं। आप मुझे बताओ पावर इन अपर साइड बैंड प्लस पावर इन लोअर साइड बैंड का फॉर्मूला क्या होता है। पावर इन अपर साइड बैंड प्लस पावर इन लोअर साइड बैंड का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ी देर पहले पढ़ा था, पीसी इंटू म्यू स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अब इन दोनों की पावर टोटल हमको कितनी गिवन है, 4 किलोवाट इक्वल टू पीसी, इसकी कितनी गिवन है हमको, 8 किलोवाट। बहुत बढ़िया, अब म्यू स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, 2। यहां से जरा देखेंगे सभी लोग, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 2 से 2 कैंसिल, तो म्यू की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर था। करेक्ट आंसर शुड बी म्यू शुड बी इक्वल टू 1। अगर आपसे परसेंटेज में पूछा तो आप लोग क्या बोलोगे, सर अगर हमसे परसेंटेज में पूछा तो हम लोग बोल देंगे 100%। क्या बोल देंगे, 100%। क्लियर है, तो इस तरीके का क्वेश्चन गाइस आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस होते हैं। चलो और बताता हूं, बता रहा हूँ गाइस, हाँ बता रहा हूँ, आप लोड मत लो, आप जाता चलिए चलिए। अब गाइस एक बात बताओ मुझे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मुझे इस हाथ से लेके इस हाथ तक मुझे सिग्नल को ट्रांसमिट करना है। ठीक है निशा, वो आपने एफिशिएंसी निकाली है, उसने परसेंटेज मॉड्यूलेशन पूछा था, आपने एफिशिएंसी निकाल दी। ठीक है, आपने एफिशिएंसी निकाल दी जो कि गलत है, उसने परसेंटेज मॉड्यूलेशन पूछा था, मतलब आपको म्यू निकालना था। चलिए, अबे एफएम डिटेक्शन मेथड की इंपॉर्टेंट क्लास लेना तो तुमको लगता है प्रीवियस ईयर के पेपर में आ गया तो इस साल में भी एफएम डिटेक्शन ही आएगा। कम्युनिकेशन छोटा सब्जेक्ट नहीं है, समझ रहे हो, तो कम्युनिकेशन के 3 पार्ट है, एक होता है एप्टीट्यूड मॉड्यूलेशन, एक होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एक होता है डिजिटल मॉड्यूलेशन। तो अगर तुम तीनों में से कोई एक करके जाओगे अच्छे से डिटेल में तो तुमसे उसके क्वेश्चन बन जाएंगे, समझ रहे हो। तुम अगर सब पे हाथ मारने की कोशिश करोगे तो तुमको समय चाहिए कम से कम महीने भर कम्युनिकेशन पढ़ने का। नहीं समझ में आया, चलिए बहुत बढ़िया। सो गाइस यहां पे हम लोग देख रहे हैं अब, ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं,
इस हाथ से लेके मुझे इस हाथ तक सिग्नल ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूलेशन करना पड़ेगा। तो मेरे पास दो चीजें, एक तो मेरे पास कैरियर सिग्नल है और एक मेरे पास मैसेज सिग्नल है। मैसेज सिग्नल को ही मुझे यहां से यहां तक भेजना है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन करने के लिए क्या लगेगा, मॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेटर का काम क्या होता है, कैरियर सिग्नल के ऊपर मैसेज सिग्नल को बिठा देना और उसके एम्पलीट्यूड को क्या कर देना, वेरी, मतलब उसके एम्पलीट्यूड को वेरी कर देना, यही काम होता है मॉड्यूलेटर का। ठीक है, तो गाइस ये मॉड्यूलेटर जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, तो याद रखना जनरेशन ऑफ एएम सिग्नल। जनरेशन ऑफ एएम सिग्नल, क्लियर? चलिए तो गाइस याद रखना दो तरीके से हम लोग एएम सिग्नल को जनरेट करते हैं। पहला सिग्नल हमारा होता है स्क्वायर लॉट मॉड्यूलेटर, एंड दूसरा वन होता है हमारा स्विचिंग मॉड्यूलेटर। गाइस हमारे पास दो सिग्नल है, एक है हमारे पास स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर और एक है हमारे पास क्या, स्विचिंग मॉड्यूलेटर। क्लियर? ओके सर, ये बात भी समझ में आ गई। अब इसके बारे में मैं एक चीज बताता हूं आप लोगों को, जरा सुनना। चलिए तो ये दो नाम याद रखना आपको, यहां से और कुछ क्वेश्चन डीप में नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से, क्योंकि इसके बाद डीप में फिर इसको पढ़ना, इसके ब्लॉक डायग्राम वगैरह वो काफी अलग चीजें हैं, तो वो आपसे नहीं पूछी जा सकती। तो एम सिग्नल कैसे जनरेट होता है आपको बताना, स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर और स्विचिंग मॉड्यूलेटर के दम पे। और डी मॉड्यूलेटर के कितने टाइप्स होते हैं, मतलब क्या करना है आपको, डी मॉड्यूलेट करना है, मतलब क्या, कहां लगेगा, रिसीविंग एंड पे लगेगा। कहां लगेगा डी मॉड्यूलेटर, कहां लगेगा सर, रिसीविंग एंड पे डी मॉड्यूलेटर लगेगा ना, जो डी मॉड्यूलेटर ऑफ एफएम सिग्नल। डीमॉड्यूलेटर ऑफ एफएम सिग्नल, गाइस यहां पे देखना है अपन को डीमॉड्यूलेटर क्या होते हैं आपके एफएम सिग्नल के, जिसके अंदर जो सबसे पहला आता है, क्लियर? डीमॉड्यूलेटर के अंदर सबसे पहला आता है स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर, और जो गाइस दूसरा आप लोगों का आता है इसको बोलते हैं एनवेलप डिटेक्टर। क्या बोलते हैं, एनवेलप डिटेक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं प्यार से एनवेलप डिटेक्टर, इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं एनवेलप डिटेक्टर। क्लियर है, इसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, एनवेलप डिटेक्टर। चलिए एडवांटेज ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो गाइस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के एडवांटेजेस लिखवा रहा हूं, यहां से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का एडवांटेज क्या है। क्लियर है, सबसे पहला तो इसका एडवांटेज ये है, सबसे पहला तो गाइस इसके अंदर एडवांटेज ये है, क्लियर? सबसे पहला तो इसके अंदर एडवांटेज ये है कि डीमॉड्यूलेशन इज सिंपल, डीमॉड्यूलेशन इज सिंपल। दूसरा गाइस का डिसएडवांटेज है, सॉरी एडवांटेज है, यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस
कम्युनिकेशन बट इसका डिसएडवांटेज भी है, इसका डिसएडवांटेज भी है। अब बोलेंगे सर इसका डिसएडवांटेज क्या है, जरा मैं आपको बताता हूं, ये आपसे डायरेक्टली पूछेगा एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से क्या डिसएडवांटेज है, तभी तो हम लोग किस पे जा पाए, तभी तो हम लोग आज किसके पे जा पाए, जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का कोई डिसएडवांटेज ही नहीं होता तो हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्यों करते। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का सर बोल एफएम रहे हो, लिख एएम रहे हो, कहां लिखा भाई एफएम मैंने, क्या बात है भाई भैरव भाई एनबीसीसी फोड़ के आ गए। चलिए सो गाइस डिसएडवांटेज देखते हैं हम लोग, एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का डिसएडवांटेज क्या है, याद रखना इसके अंदर ट्रांसमीटर की पावर बहुत ज्यादा वेस्ट होती है, पावर ट्रांसमीटर पावर इज वेस्टेड, दूसरा होता है गाइस इट नीड्स हाई ट्रांसमिशन बैंडविड्थ, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ट्रांसमिशन की बैंडविड्थ है वो काफी हाई चाहिए होती है, क्लियर है, नॉइज बहुत ज्यादा इसके अंदर, नॉइज से बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है, कौन आपका एएम सिग्नल, क्लियर है, कौन आपका एएम सिग्नल, ठीक है। अब बात आती है सर इसको कहां यूज करते हैं, अब जो बच्चे बोल रहे होंगे एफएम के बारे में सर एफएम का क्या एडवांटेज होगा, तो बेटा जो डिसएडवांटेज हमारे एएम में हमको मिल रहे थे वो सारे के सारे वो सारी की सारी चीजें रिमूव हो गई थी किसके अंदर, एफएम के अंदर, तो देखेंगे उसको अपन। एप्लीकेशन क्या है इसका, यूज्ड इन ब्रॉडकास्टिंग, उसको गाइस हम लोग ब्रॉडकास्टिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब आप लोगों ने सबने नाम सुना होगा, जो बच्चे अभी कम्युनिकेशन थोड़ा बहुत भी जानते हैं थोड़ा बहुत भी देखा है तो आप लोग ने है ना, सर आपको आज क्या हुआ, कुछ नहीं यार मेरे को ना थोड़ा सा अनइजी सा लग रहा है, ठीक है मेरे को थोड़ा सा बॉडी में अनइजी सा लग रहा है, आप लोगों को फील हो रहा होगा, ठीक है आप लोगों को थोड़ा सा फील हो रहा होगा, मेरे को थोड़ा सा बॉडी में अनइजी सा लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लोली चल रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब मैं चाह करके भी, मतलब शायद अगर आप मेरी कंडीशन में होते तो मुझे नहीं लगता है कि आप दो मिनट के लिए भी बैठ पाते, है ना, मतलब बैठ पाते, खड़े हो पाते, सो पाते, ऐसा मतलब एक होता है ना बॉडी में घबराहट सी होना, ठीक है ना, शायद घबराहट ही बोलते हैं ना उसको, अनइजी लगना मतलब क्या होता है, घबराहट होना ही होता है ना, है क्या करना चाहिए बोलो, कुछ नहीं अभी तो थोड़ा शाम से मेरे को फील होना चालू हुआ है, क्या करना चाहिए उसके लिए बोलो। आपको आज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन तो पूरा कंप्लीट करवाऊंगा ही करवाऊंगा, क्या करना चाहिए उसके लिए, थोड़ी घबराहट सी हो रही एकदम बेचैनी टाइप की, जैसा ऐसा नहीं होता कभी आपको कि ऐसा आपको लगता है कि वोमिट होने वाली है बट वोमिट हो नहीं रही है ना, उस टाइप की फीलिंग है थोड़ी थोड़ी, मतलब मैं खुद ही समझ पा रहा हूं कि क्या फीलिंग है, कर जाओ सर एंजॉय करो दो चार दिन, नहीं नहीं यार नहीं होता यार कभी कभी कुछ आप कुछ खाना वाना खाते हो, या खाना तो नॉर्मली खाया यार, है ना, नॉर्मली खाया जो खाता हूँ वही खाता हूँ, दाल रोटी सब्जी चावल वाला इंसान हूँ मैं, ठीक है चलो पढ़ते हैं, अभी तो हो गई बहुत बात हो गई, चलिए तो गाइस आप कंटेंट आपको प्रॉपर मिलता जाएगा चिंता मत करो, ठीक है कंटेंट आपको प्रॉपर मिलता जाएगा, है ना, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आज आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पूरा कंप्लीट करूंगा, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है आपका यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा।
चलिए तो गाइस एप्लीकेशन क्या होती है, इसकी यूज करते हैं हम लोग इसको ब्रॉडकास्टिंग में। सर आप पानी अच्छे से ले लो और आराम कर लीजिए, बेटर फील होगा, क्लास के बाद में लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो रोहित भाई कुछ अलग ही लेके आते हैं बेटा, रोहित ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करते है ना। ऐसे वर्ड्स अगर आप किसी के लिए भी यूज करोगे, मतलब मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी हो एनीबॉडी एल्स है ना, तो क्या मतलब है, ये एक इंजीनियर की शोभा नहीं है। एक इंजीनियर की शोभा नहीं होती है, ठीक है। गिव रिस्पेक्ट टू एवरीवन, ठीक है, गिव रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, हर इंसान को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो गाइस एप्लीकेशन क्या है इसकी, तो हम लोग नॉर्मली ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज करते हैं, तो आपसे एडवांटेज डिसएडवांटेज यहां पे पूछे जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, क्लियर है, DSSB है ना, सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, इस तरीके के आपने नाम सुना होंगे, इनका मतलब क्या होता है जरा मैं आपको बताता हूं, ठीक है। चलिए सबसे पहले डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, इसको बोल इसको रिप्रेजेंट करते हैं डीएसबी से, DSBSC ये कहलाता है DSBSC, शॉर्ट फॉर्म ही मोस्टली इसके यूज करते हैं, क्योंकि अब मान के चलते हैं बच्चों को कम्युनिकेशन आता हो, मोस्टली शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में यूज भी करते हैं, पेपर्स में भी यूज करते हैं। अगर आप किसी को भी बोलोगे DSBSC क्या होता है, तो वो बोलेगा डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर होता है, क्लियर है। अब इसके अंदर देखो होता क्या, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो गाइस डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर एक ऐसा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है जिसके अंदर, क्लियर है, जिसके अंदर हमारा जो सिग्नल होता है वो किस तरीके का होता है मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा सिग्नल होता है डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर का, हमारा जो सिग्नल होता है वो सिंपल सा होता है हमारा AC × mT, डायरेक्टली आपसे पूछेगा cos ωC, ये डायरेक्टली आपसे पूछेगा, क्लियर है, ये आपसे डायरेक्टली पूछेगा। इसके बाद जरा देखता हूं, टोटल पावर आपकी अगर DSBSC के अंदर पूछता है, आपसे डायरेक्टली पूछेगा टोटल पावर कितनी होती है DSBSC के अंदर, तो याद रखना आपको जो टोटल पावर होती है बेटा उसका फॉर्मूला मैं डायरेक्टली लिखवाता हूं, आपको याद रखना है, दैट इज कॉल्ड AC का स्क्वायर इनटू AM का स्क्वायर अपॉन दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, दैट इज अपॉन 4 × R, क्लियर। यहां पे याद रखना जो टोटल पावर होती है वो होती है AC² × AM² / 4 R इज द टोटल पावर, क्लियर। उसके बाद मॉड्यूलेशन परसेंटेज मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी, ये तो मुझे लगता है रिसेंटली शायद किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब या तो कर्नाटका या आंध्र प्रदेश एपी आंध्र प्रदेश ट्रांसमिशन का शायद लास्ट ईयर के पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कि DSBSC जो होता है डबल साइड बैंड सेपरेट कैरियर होता है उसका जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है वो मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी कितनी होती है, वॉइस की मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी होती है 100% सीधा, ध्यान इसकी मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी 100% होती है। इसके बाद इसके अंदर याद रखना है आपको, क्लियर, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर के अंदर आपको याद रखना है इसकी टोटल पावर होती है AC² × AM² / 4 R और इसकी जो मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी होती है वो हमारी कितनी होती है 100%। अब बात आती है इसमें आपसे पूछता है कि इस सिग्नल को जनरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ठीक है, तो जनरेट दिस सिग्नल क्लियर है आपको क्या याद करना पड़ता है, फर्स्ट एक तो यूज होता है गाइस हमारा, ठीक है, मेथड टू जनरेट दिस सिग्नल, उसके मेथड्स क्या बताता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं आज अपनी क्लास के अंदर पहली बार ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आज मैं अपनी 100% दे नहीं पा रहा हूं, आप लोग को फीलिंग हो रहा होगा है ना, आप लोग को फीलिंग हो रहा होगा कि मैं अपना 100% नहीं दे पा रहा हूं, ठीक है। एक होता है बैलेंस मॉड्यूलेटर और एक होता है रिंग मॉड्यूलेटर, जिस एफिशिएंसी से मैं पढ़ाता हूँ, जिस एफिशिएंसी से मैं बातें करता हूँ, जिस एफिशिएंसी से मैं चीजों को एग्जीक्यूट करता हूँ, शायद उस एफिशिएंसी से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आई थिंक ऐसा मुझे लग रहा है, इज इट राइट और रॉन्ग, नहीं बोल सकते हो आप लोग, कोई वो नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते हो, बिल्कुल कौशिक भाई ले लेंगे, चिंता मत करो। आपको ऐसी फीलिंग आ रही होगी,
मतलब मैं जब अभी 2 बजे भी मेरी एक क्लास थी 2 to 4, जब वो 2 बजे से 4 बजे तक वाली क्लास थी ना, उसके बाद से थोड़ा सा अनईजी सा लगना चालू हो गया, ठीक है, एक अनईजी सा लगना चालू हो गया था, लेकिन फिर भी ठीक है ना। इस ये एटलीस्ट इस क्लास को लेने के बाद, है ना, इस क्लास को लेने के बाद आपके मन में भी एक चीज आनी चाहिए कि अगर मान लो आपका कभी एग्जाम हो, अगर आप लोग का कभी एग्जाम हो, ठीक है, और अगर आपकी तबीयत खराब हो जाए तो भी आपके पास एक एनर्जी होनी चाहिए उस चीज को करने की, एटलीस्ट 2 घंटे की तो एनर्जी होनी चाहिए। चलिए, तो गाइस अब इस सिग्नल को जनरेट करने के लिए हम लोग 2 चीज यूज करते हैं, एक होती है हमारी बैलेंस मॉड्यूलेटर और एक होता है हमारा रिंग मॉड्यूलेटर। ये डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये 3 सवाल ऐसे हैं, क्लियर है, ये 3 सवाल ऐसे हैं, कोई दिक्कत नहीं प्रेरणा, ये 3 सवाल ऐसे हैं जो आपसे डी डबल साइड बेंड सपरेट्स कैरियर के बारे में पूछे जाते हैं कि टोटल पावर कितनी होगी, परसेंटेज मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी कितनी होगी, इसको सिग्नल को जनरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, क्या यूज होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद बताते हैं, अब इसके बाद आता है, ये तो हो गया, चलो जनरेट करने के लिए मतलब मॉड्यूलेटेड मॉड्यूलेशन करने के लिए, डी मॉड्यूलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो डी मॉड्यूलेट इसको डी मॉड्यूलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सिंक्रोनस डिटेक्टर इज यूज्ड। सिंक्रोनस मशीन नहीं है, सिंक्रोनस डिटेक्टर है। तो डी मॉड्यूलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सिंक्रोनस डिटेक्टर यूज करना पड़ता है, क्लियर है, ध्यान रखें। चलिए, तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट योर डीएसपीएससी। इसी के साथ बेटा ये एक हो गया, एक पहले तरीके का एएम सिग्नल है, एएम मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। अब आता है एक दूसरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जिसको बोलते हैं एसएसबीएससी, मतलब सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। अब आप बोलोगे सर सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर क्या होता है, जरा मैं वो बताता हूं आपको, ठीक है, जरा सुनो। चलिए, तो गाइस सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है, आपकी जो टोटल पावर निकल के आती है वो डिफरेंट आ जाती है, और टोटल पावर आप लोग की जो निकल के आती है वो होती है एसी स्क्वायर, मतलब कैरियर के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटू एएम स्क्वायर, मतलब मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर अपॉन 8 into R। R क्या पता है आपको, रेजिस्टेंस है किसका, लोड का, मतलब लोड मतलब कौन, जिसको ये सिग्नल भेजा जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, परसेंटेज मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी यहां पे भी कितनी होती है, 100%। क्लियर, चल इसके बाद जरा देखते हैं। तो गाइस हमने डी डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर के बारे में देखा हम लोगों ने, ठीक है, कि उसका बेसिकली पावर कितनी होती है, मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी देखी, और इस सिग्नल को जनरेट कौन से मेथड से करते हैं। सिमिलरली गाइस अगर मैं बात करूं तो एक डबल एसबी एससी को कैसे जनरेट करते हैं, तो इट शुड बी इट इज जनरेटेड बाय इसको हम लोग जनरेट करते हैं बेसिकली किससे, फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड एंड फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड। ये नाम याद रखना बेटा, यही पूछ लेगा पेपर, फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड, और दूसरा होता है फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड। एक होता है फेज, एक होता है फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखो।
चलिए थर्ड गाइज आप लोगों का होता है, सॉरी थर्ड नहीं, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या जा रहा, वो इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज छोड़ो, क्लियर है। एक तीसरा होता है गाइज जिसके बारे में मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, जरा सुनते जाना, ठीक है। एक होता है आपका DSSBSC मतलब डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, एक होता है सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। एक होता है डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, एक होता है सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, क्लियर है, ठीक है। और एक तीसरा होता है बेटा जिसको बोलते हैं वेस्टिजियल साइड बैंड, क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल साइड बैंड, VSB। आज मैंने किसी का रिप्लाई नहीं किया, कुछ नहीं यार, मैं वही बोल रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा मुझे अनइजी सा लग रहा है, ठीक है, थोड़ा सा मुझे अनइजी सा लग रहा है, जिस वजह से मैं बहुत काफी सारी चीजें मेंटली नहीं कर पा रहा, एनर्जी मेरे अंदर से आ नहीं रही है, बॉडी अंदर से निकाल रही है लेकिन वो निकल नहीं रही है, ठीक है, ध्यान रखो। और जैसे ही थोड़ा तेज बोलने की कोशिश करता हूँ तो थोड़ा सा ऐसा वोमिट जैसी फीलिंग आने लगती है, इसलिए थोड़ा वापस धीरे कर लेता हूँ, क्लियर। चल लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को पूरा एम खत्म करूंगा आज, ठीक है, ताकि आपसे एम का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। गाइस याद रखना से वीडियो सिग्नल जो होता है हमारा, मैंने आपको पहले भी बता के रखा, वो 0 to 4.5 MHz की फ्रीक्वेंसी का होता है, बस खत्म हो गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। इसकी जो बैंडविड्थ होती है, बैंडविड्थ छोड़ो, क्लियर, याद रखना। टीवी सिग्नल जो आपका होता है, क्लियर है, टीवी सिग्नल जो आपका होता है, टीवी टेलीविजन वाला, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 10 MHz के आसपास होती है, ध्यान रख। इसके बाद एक नोट लिखवा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर डायरेक्टली पूछा जाएगा। अगर मैं बात करूं बेटा बैंडविड्थ की, अगर मैं बैंडविड्थ की बात करूं तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में मतलब डीएसबी की डबल साइड बैंड की बैंडविड्थ सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद हमारी वेस्टिजियल साइड बैंड की होती है, और सबसे लास्ट में हमारी सिंगल साइड बैंड की होती है। सिमिलरली गाइस अगर मैं पावर की बात करूं कि पावर किसमें ज्यादा है, तो पावर की बात करूं तो पावर सबसे ज्यादा हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर होता है, देन फिर हम बात करते हैं तो वीएसबी एंड SSB के अंदर ऑलमोस्ट बराबर पावर देखने को मिलती है, VSB और SSB के अंदर ऑलमोस्ट बराबर पावर देखने को मिलती है, वेस्टिजियल साइड बैंड या फिर आपका सिंगल साइड बैंड दोनों में बराबर मिलती है, लेकिन AM DSB में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। चल ठीक है, तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट योर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये आपको मैंने आज समझाने की कोशिश करी गाइस, किसको, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में, क्लियर, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी गाइस, क्या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, मैं आपसे वादा करता हूँ गाइस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आए, अगर 3 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं तो एक ऐसा हो ही नहीं सकता कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से क्वेश्चन ना आए, बिल्कुल यहाँ से आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और वो एक क्वेश्चन आपका पावर वगैरह इनमें से किसी से भी हो सकता है, और वो आपसे हमेशा बनेगा, आप उसकी बिल्कुल चिंता मत करो। तो हमारा दिया हुआ 1.5 घंटा जो है वो कुछ इस तरीके का था, हमारा दिया हुआ 1.5 घंटा जो है वो कुछ इस तरीके का था कि जिससे कि आपका पर्टिकुलरली 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे बन ही जाए, ठीक है, जो तो आप एक अदर स्टूडेंट्स के से एक अच्छी एज ले लोगे, बिकॉज 4 सब्जेक्ट्स तो हमारे पास सभी को आते हैं, तो एक अदर स्टूडेंट्स के साथ आप एक अच्छी एज ले लोगे, एक अदर स्टूडेंट्स के साथ एक अच्छी एज ले लोगे, क्लियर, यस सर, क्लियर। चलिए चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और किस्मत अच्छी होगी इस बार पूरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ही आएगा, मचा के आ जाओ तुम तो पेपर के, अभी NPCC वाले बच्चे मचा के आ गए। चलिए तो गाइस आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, ठीक है, आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। सबसे पहली बात तो ये कि नॉन टेक्निकल के लिए AE और JE एग्जाम्स के लिए आप लोगों के टेक्स्ट बुक ने आप लोग के लिए एक बैच लॉन्च कर दिया है, ठीक है, उसके बारे में मैं जल्दी ही आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन लेके आऊंगा, ठीक है। तो एकदम भाई अब अपन मचाने वाले नॉन टेक्निकल, चलिए आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा बैच लॉन्च हुआ है, द नेम ऑफ द बैच इज इलेक्ट्रिकल JE लाइव कोचिंग बैच 5। गाइस ये बैच आपका 11 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, 1 साल इस बैच की वैलिडिटी है, 799 रुपीज बैच का प्राइस है, ठीक है, बैच का नाम आपको याद रखना है बैच 5, हजारों बच्चे डेली एनरोल कर रहे हैं, क्लियर है ना, आरती आ सकता है, एक आध क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ठीक। चलिए तो गाइज अगर आप ये जो भी बच्चे अभी तक पेड बैच के अंदर एनरोल नहीं है और जो चाहते हैं आने वाले समय में वो अच्छे से JE एग्जाम्स को दे पाए, क्लियर, अच्छे से JE एग्जाम्स को दे पाए, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज ज्वाइन दिस बैच,
आपको ये बैच ज्वाइन करने के बाद एक दिन के अंदर क्या दो दिन के अंदर कभी भी ये फील नहीं होगा कि आपने कुछ गलत चीजों में इन्वेस्ट किया है, ये मैं आपको बोलूंगा बस, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी, बहुत हार्ड वर्क आपको बना दिया जाएगा और कुछ नहीं। जिस तरीके से आप मेरे अंदर एनर्जी देते हो वही एनर्जी आपके अंदर पूरी की पूरी इंसर्ट कर दी जाएगी, क्लियर गाइस। बैच के अंदर 180 प्लस लाइव क्लासेस है, हर एक क्लास दो घंटे की है, 360 प्लस घंटे का बैच है, 4500 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एक डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म भी आपको मिलता है कि जब भी आप डाउट पुट अप करेंगे विद इन वन आवर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। गाइस आप अपने पर्सनल नोट्स भी बना सकते हो और बैच को एनरोल करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा ये कोड अप्लाई करना है जिसका नाम है मोहित के, एनरोल मतलब परचेस करने के पहले, तो आपको सीधा 20 से 37% का 20 से सीधा 37% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा एक बात और मैं आपको बताने वाला था कि गाइस कल 9, 10 और 11 ये तीन दिन है ना, ये तीन दिन गाइस आप लोगों की यूट्यूब की कोई भी क्लास नहीं है, जो बच्चे पेड स्टूडेंट्स हैं उनकी भी कोई क्लास नहीं है और मास्टर क्लास भी नहीं मेरी वाली, ठीक है। उसके पीछे का रीजन मैं आपको शायद पहले भी बता चुका हूं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि भाई तीन दिन आपकी कोई क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी 12 और 13 तारीख से आपकी नॉर्मल क्लासेस रहेंगी, आप बिल्कुल उसका लोड ना लें। चलिए तो आपको दो चीज याद रखना है, इलेक्ट्रिकल जेई लाइव कोचिंग बैच 5 और आपको याद रखना है सब्जेक्ट मोहित और आपको कोड याद रखना है मोहित के, ठीक है सर। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस आपके पास एक और चीज होनी चाहिए, आप बोलेंगे सर क्या होना चाहिए बताता हूँ गाइस, एक और चीज है हमारी टेस्ट बुक की टेस्ट सीरीज मतलब टेस्ट बुक पास। क्या होता है जब आप बैच के अंदर पढ़ते हो तो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हो, फिर उसके बाद क्या होता है आपको ऐसा लगता है कि कहीं मैं कुछ गलती ना कर दूं, तो बेटा गलती तो इंसान की फितरत है, गलती तो करेगा ही करेगा है ना। तो आपको क्या होना चाहिए टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के मेन एग्जाम के पहले काफी सारे टेस्ट लगा के जाने चाहिए, जिससे आप क्या करो जितनी गलतियां करना है टेस्ट में कर लो और अपनी गलतियों को सुधार लो ताकि मेन एग्जाम में गलती ना हो। तो गाइस इंडिया में टेस्ट का मतलब ही होता है टेस्ट बुक की टेस्ट सीरीज मतलब जिसको हम बोलते हैं टेस्ट बुक पास, क्योंकि आज की डेट में इंडिया में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसके पास टेस्ट बुक पास अवेलेबल नहीं है, क्लियर है। क्योंकि हर एक बच्चा हमारे पास डेटा आता है, जितने बच्चे 13 लाख भी बच्चे अगर एग्जाम में बैठ गया तो हमें पता है 13 लाख तो टेस्ट बुक पास में ऑलरेडी एनरोल्ड है, क्लियर है, ऑलरेडी एनरोल्ड है, क्लियर। नेक्स्ट मैराथन ऑन दिस टॉपिक, यस असना, यस ठीक है, आफ्टर 12th अदरवाइज ऑन 12 और 13, या तो 12 को हो जाएगी या तो 13 को हो जाएगी। चलिए तो गाइस आपके पास टेस्ट बुक पास होना चाहिए, अगर आपके पास अभी तक नहीं है तो एटलीस्ट इसको लेके रखें आपके पास। इसके लिए करना क्या है आपको, किस तरीके से लिया जाता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, शो करता हूँ। चलिए चलिए तो मैं छुप जाता हूं ताकि आपको पता चल जाए टेस्ट बुक पास कैसे लिया जाता है। आंखें देख के लग रहा है मैं बीमार हूं, नहीं यार थोड़ा मैं क्या अपने आपको बहुत ना अंदर से कंट्रोल कर रहा हूं कि मैं दो घंटे मतलब मैं आपको पढ़ा दूं, ठीक है, मैं अपने आपको कंट्रोल कर रहा हूं तो वो जान निकल रही है मेरी बाकी चीजों की तरफ से। चलो तो गाइस यहां पे देखेंगे जरा, यहाँ पे देखेंगे गाइस जैसे मैं सर्च करूंगा यहाँ पे टेस्ट बुक क्लियर है तो आपको टेस्ट बुक की वेबसाइट खुलेगी। जैसे आप टेस्ट बुक की वेबसाइट पे जाएंगे दैट इज कॉल्ड testbook.com, तो आपको पास यहाँ पे मोर में जाना है, मोर में आपको पास पे जाना है और पास पे जाने के बाद आपको गाइस यहाँ पे दिख जाएगा, क्लियर, पास पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि 7 डेज टेस्ट बुक पास जो है वो सिर्फ 249 का है, क्लियर है। मंथली टेस्ट बुक पास जो है 299 का है, गोल्डन टिकट जो है आपके पास वो 399 का है। इस तरीके से आपको दिख जाएगा कौन सी क्या ईयर है। तो लेट्स सपोज लाइफ टाइम पास, तो आपको करना कुछ नहीं, अप्लाई कूपन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कोड अप्लाई करना है, दैट इज कॉल्ड मॉक पास, दैट इज कॉल्ड MOKPASS, दैट इज कॉल्ड मॉक पास MOKPASS, मोहित के नहीं करना, मोहित के कोर्स के लिए करना है और तुरंत अप्लाई करेंगे गाइस तो यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा ये पर्टिकुलर बैच और वो सॉरी ये पर्टिकुलर लाइफ टाइम पास, वो भी कितने का, ओनली 540 रुपीज का। तो ये एक तरीके से यहाँ पे आपको डिस्काउंट देखने को मिलता है, क्लियर। Guys, this is all about your today's class. And I hope कि guys आपका amplitude modulation इसके बाहर आपको पढ़ के जाना है नहीं। So thank you very much guys again. So bye bye. Take care. Love you everybody. मिलते हैं next session में, है ना? तो आप लोग के लिए 3 दिन का भी ऑफ है, 3 दिन के बाद मैं आपको मिलूंगा और मस्त तरीके से बताऊंगा। 3 दिन बाद तो तुम देखो यकीन, अपन पूरी बॉडी को ऐसा डिटॉक्स करके आएंगे कि अपन खत्म कर लेंगे सब, ठीक है, पूरा जोश लगा दूंगा, चिंता मत करो। यस असना, नेक्स्ट मैराथन लूंगा, चिंता मत करो।
क्लियर है? चलिए गाइस, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू एवरीबॉडी।